हेलो फ्रेंड्स, जस्ट आई एम रीच कैनन शोरूम। वसई के कैनन शोरूम में मैं पहुंचा हूं। जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि उधर जाने पर मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। ये मेरी बाइक है पल्सर 220, इसे जस्ट अभी मैं पहुंचा हूं। तो चलो देखते हैं अंदर जाने पर अपन को न्यू इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कैनन के बारे में, जो अपन को पता नहीं है कि कैनन अपन को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर। सो चलो देखते हैं। ये मेरा फ्रेंड है कैनन का। हेलो। तो ये अभी अपन को सब जो डिटेल्स है पूरी कैनन के बारे में और कैनन के बारे में जो अपन दोनों को भी जानकारी नहीं है वो सर अभी अपन को दे देंगे। तो देखते हैं कि कैनन के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या डील्स भी है आगे। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी कैनन के CIS के वसई स्टोर में हो। आपको स्टोर में प्रोडक्ट लेने के आपको सबसे बेहतरीन फायदा क्या है कि आपको जो आप प्रोडक्ट लेने वाले हो उसके पहले आपको प्रोडक्ट का लाइव पीस देखने मिलता है। आप लेने से पहले वो चीज को यूज कर सकते हो, उसमें आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियोस क्लिक करके आप उसका क्वालिटी चेक कर सकते हो। मेरे पास एक ही नहीं, मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। आपको अगर आप कोई दो कैनन के ही दो प्रोडक्ट में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वो भी एक अवेलेबल है। सो हम बेसिकली अभी आएंगे 200D, जो कि सर ने ऑलरेडी बाय कर लिया है 200D। उसके हम फीचर्स पे आएंगे। 200D पे आपको वेरी एंगल LCD मिल जाता है, मतलब मैं कोई भी एंगल से शूट कर सकता हूँ सर। ये आपको ड्यूल लेंस के साथ आता है कॉम्बो। 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसका ISO रेंज आपको आ जाएगा 25,600 फॉर स्टिल एंड वीडियोस के लिए 12,800। डिजिक 7 प्रोसेसर। अब कैनन कैमरा इंडस्ट्री में अब तक के से सबसे बेस्ट प्रोसेसर है डिजिक 7 प्रोसेसर। ऑटो फोकस 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स दे दिए गए 200D में और HDR मोड सपोर्ट कर रहा है। HDR मोड ये होता है कि मैं कोई भी इमेज को 3 बार क्लिक करके एक बेस्ट इमेज करके दिखा सकता हूँ। ये फैसिलिटी 200D में है। 200D में डिजिक 7 प्रोसेसर दे दिया गया है। उसका मेन बेनिफिट क्या है, ये कैमरा एक फास्ट तो हो ही जाता है, ऊपर से उसका क्वालिटी भी बेस्ट हो जाता है। अगर स्पीड है 5 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब मैं 1 सेकेंड में 5 फोटो क्लिक कर सकता हूँ। ऑफकोर्स वाईफाई दे दिया गया है तो मैं इसके सभी डाटा जो मेरे फोन में ले सकता हूँ। एज वेल एज 200D का सबसे मेन जो पॉइंट है कि जो जिस बेसिस पे वो इतना फास्ट फोकस करता है वो दो चीज़ है। फर्स्ट है उसका जो लेंस है, ये लेंस STM है। दो लेंस आपको इसके साथ आता है 18-55, 55-250। अभी इसके साथ 18-55 का लेंस लगा हुआ है। और जो सेकेंड 200D का एक बेस्ट पॉइंट है वो है ड्यूल पिक्सल ऑटो सिमोस सेंसर। ये आपको ये 200D को बहुत ही ज़्यादा फास्ट फोकसिंग के लिए बनाता है ये सेंसर। और 200D वर्ल्ड का सबसे कॉम्पैक्ट स्मॉलेस्ट DSLR कैमरा है। ठीक है, तो हम ये अभी पीस को ऑन करते हैं और ये पीस के फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। ये लाइव डेमो पीस है, इसको अभी मैंने लाइव व्यू पे दे दिया गया है। और इसका आप स्पीड देखेंगे कि स्पीड कितना है। मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करता हूँ वो वहाँ पर फोकस हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको DSLR के बारे में, कैनन 200D जो मैंने बाय किया उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी मिला ही रहेगा। तो देखते कि सिर्फ DSLR बाय करने से कुछ नहीं, उसके बाद में के जो है अपन को प्रॉफिट है कैनन से वो क्या है, वो सर अभी अपन को बताएंगे कि कैनन अपन को क्या क्या प्रोवाइड और करता है। ओके, आपको ये तो रहा बेसिक, ये जो कि मैं अगर आपको बाय कर रहे हो और आपको यहाँ से बाय कर रहे हो उसका बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर आप बाय कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम DSLR बाय कर रहे हो, आपको DSLR यूज करना ही नहीं आता है, तो कैनन आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करता है। आपको दो वर्कशॉप मिलता है, एक जो कि आपको यहाँ पर स्टोर से मिलेगा जो कि 3-4 आवर्स का होगा बेसिक, और एक प्रोफेशनल मिलता है। सेकेंड थिंग, आपको इसका सर्विसिंग भी आपको फ्रीज मिलेगा। तो आपको सर्विसिंग, आपको 2 ईयर्स का वारंटी है तो 2 सर्विसिंग आपको मिलेगा अगर आप यहाँ से ले लो। थर्ड चीज़ है क्लीनिंग, आपको कैमरा जो प्रोडक्ट है वो क्लीन होके भी मिल जाएगा। आपको अनलिमिटेड टाइम क्लीनिंग आप प्रोडक्ट को करवा सकते हो, कोई भी स्टोर में आप जाके प्रोडक्ट ये करवा सकते हो। ये बेटर है आफ्टर बाइंग का। आपको अगर वो जो वर्कशॉप मिल रहा है वो वर्कशॉप बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मोस्टली कैसा होता है कि अगर मैं DSLR ले लिया, ऑटो मोड भी यूज़ करते हो और उसको क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, तो कैनन अभी क्या बोल रहा है कि तुम DSLR कस्टमर को DSLR अगर यूज़ करना नहीं आता तो तुम वर्कशॉप दो। तो इसके लिए हमने एक वर्कशॉप सेक्शन रखा है, तो ताकि कस्टमर को हम पूरा कैमरा सिखाते हैं कि कैसे तुम कैमरा यूज़ करो मैनुअल मोड में, शटर अपर्चर ISO कैसे यूज़ किया जाता है और उसका वर्क क्या है, तो वो हम कस्टमर को दिखाते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि वर्कशॉप में क्या क्या होता है और 200D के मेन पंचेस बेसिस क्या है वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू। तो अपन नेक्स्ट ब्लॉग में वो भी देखेंगे और भी कुछ जानकारी है वो 200D के फीचर्स के बाद हम आपको देंगे।